एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 8, जो कि पंजाबी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। बच्चों, जो वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से लेकर 8 तक, ये सभी जो है आपके सितंबर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सारी ही वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर चेकआउट करना, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम जो है वो अच्छे जा सके। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन गोल्स इन द हॉकी मैचेस ऑफ अ लीग आर शोन इन द बिलो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इसमें जो है वो दिखाया गया है आपको कि कितने गोल जो है वो, मतलब विक्ट्री, मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो दिखाई गई है। फाइंड मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, तो मोड पता करना है। मोड क्या होता है? सबसे ज्यादा बार जिस नंबर की फ्रिक्वेंसी हुई है वो मोड होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार जो है वो किसकी फ्रिक्वेंसी हुई है? 2 नंबर की। ठीक है, तो जो 2 ऑप्शन है, ठीक है, जो कि आंसर 2 है, वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल 60 एंड 75। तो क्लास साइज पूछा है, ठीक है, तो जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट माइनस कर दो, यानी 75 में से 60 माइनस कर दो, आंसर क्या हो जाएगा? 15। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द डबल बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन डिफरेंट क्लासेस। तो ये बॉयज और गर्ल्स जो है वो दिखाया गया है अलग अलग क्लासेस के लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। ठीक है, तो क्लास 8th में गर्ल्स जो है वो कितनी है? गर्ल्स जो है वो ग्रीन कलर से शो हो रहा है, 8th में 30 है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो इन्होंने रेशियो में किस चीज का निकालने को बोला है? नंबर ऑफ गर्ल्स है ना इन क्लास 8, इन क्लास 8, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। ठीक है, तो 8th क्लास में जो गर्ल्स थी वो कितनी थी? 30, और टोटल स्टूडेंट जो है वो 10th क्लास में कितने हैं? ये हमारे पास हो गया 25, ठीक है, और ये है 20, तो टोटल कितने हो गए? 45, कटिंग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 15 2 30, 15 3 45, यानी रेशियो जो है वो क्या बनेगा? 2:3, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय अ 7th क्लास स्टूडेंट इन 6 मेजर सब्जेक्ट्स आर। तो 100 में से ये मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, 7th क्लास के स्टूडेंट के हैं ये मार्क्स। मीडियन जो है वो फाइंड आउट करना है हमें इसका, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर जो है वो यहाँ पे क्या है? 65। ठीक है, इसके बाद क्या है? 78। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या नंबर है? 86। उसके बाद हमारे पास नंबर है 90, फिर है 95, और लास्ट में है 100। ठीक है, दोनों साइड से नंबर जो है वो काटते जाओ, सेंटर का नंबर देखना कौन सा आ रहा है। तो 86 और 90 दोनों आ गया, इन 86 और 90 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इन्हें प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 + 0 6 हो जाएगा, और 9 + 8 जो है वो 17 हो जाएगा। 176/2 हो गया, कटिंग कर दो, 2 8 = 16, 1 बच जाएगा, 2 8 = 16, यानी कि 88 जो है वो इसका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, रमेश प्लेड अ कार रेसिंग गेम ऑन स्मार्टफोन। रमेश जो है वो कार रेसिंग गेम खेल रहा है अपने स्मार्टफोन पे, 8 अटेम्प्ट्स किए हैं, उसमें उसके ये स्कोर आए हैं, तो उसका एवरेज स्कोर जो है वो कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इन सभी नंबर को जो है वो प्लस कर दोगे, ठीक है, एवरेज निकालने के लिए सभी नंबर्स को प्लस कर दोगे तो इसका टोटल जो है वो कितना आ जाएगा? तो इसका टोटल आएगा 1158 00। ठीक है, प्लस कर दिया हमने, और यहाँ पे देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे भी हमें बताया हुआ 8 है ना, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 14475। ठीक है, जो कि थर्ड ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज अ नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड बाय अ फर्म इन डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग ईयर्स में एक फर्म ने कितने साइकिल जो है वो बेचे, उसके बारे में ये बार ग्राफ है। फाइंड द रेंज ऑफ दिस डेटा, ठीक है, तो इसका रेंज जो है वो निकालना है। अब रेंज क्या होता है? मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर जो है वो माइनस कर दिया जाता है। मैक्सिमम जो है वो कितना है यहाँ पर? 1200। ठीक है, और मिनिमम नंबर जो है वो कितना है? 600।
तो 1200 में से 600 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 600, तो 600 इसका रेंज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तो देखते हैं। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 40%, तो दो नंबर है 30% और 40% लेस देन अ नंबर, एक नंबर से जो है वो इतना लेस है, फाइंड परसेंट ऑफ सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट वन। तो आपने पता करना है कि जो सेकंड नंबर है ठीक है वो फर्स्ट वन से कितना कम है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम मानकर चलते हैं कि कोई जो मतलब कि नंबर है वो एक्स है हमारे पास। ठीक है, एक्स की वैल्यू ही ले लेते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं जो एक्स है हमारे पास वो 100 है। ठीक है, अब 30% कम हो गया, यानी परसेंटेज तो वैसे ही 100 में होता है ना, तो 100 में से 30 माइनस कर देते हैं फर्स्ट केस के लिए, तो 100 माइनस 30 कितना हो गया 70 हो गया। जो 40% बोला है उसके लिए भी एक्स जो है वो हमने 100 ले लिया। अब यहाँ पर 40% बोला तो 40 माइनस कर दिया, 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस जो है वो 70 माइनस 60 यानी कि 10 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं तो 10 हो जाएगा। फिर जो होता है वो इनिशियल जो होता है ठीक है, या जो स्टार्टिंग वैल्यू होता है उसको लेते हैं, तो वो हमारे पास कितना था 70 था, और इसको जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 अपॉन में 7, इसको जो है वो हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 और 7 को जब आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे कर लेते हैं 100 और 7, तो क्या आ जाएगा 7 1s 7, ठीक है 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 0 7 4s 28। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में जब आपने इसे किया तो क्या हो जाएगा 7 यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है हमारा ठीक है, जो कि 2 है वो जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और 14 जो है वो इधर आ जाएगा, तो 14 2/7% जो कि फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कविता स्कोर 28 मार्क्स आउट ऑफ 40 इन मैथमेटिक्स इन जुलाई एग्जाम। तो 28 मार्क्स आए हैं 40 में से ठीक है जुलाई एग्जाम में, तो परसेंटेज में अगर हम इसे निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है 4 7s 28, यानी कि परसेंटेज जो है उसका जुलाई एग्जाम में कितना आया 70% आया। ठीक है, अब यहाँ पर उसने जो सितंबर एग्जाम में 32 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 40, ठीक है परसेंटेज निकाल लो अगेन, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 8s 32, तो ये कितना परसेंटेज बन गया 80% बन गया। ठीक है, अब जो है क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेंड इन जुलाई एंड सितंबर एग्जाम, तो कितना डिफरेंस आएगा 80 में से 70 माइनस कर दो, तो 80 माइनस 70 कितना हो जाएगा 10, यानी 10% का जो है वो डिफरेंस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द परसेंटेज ऑफ, तो परसेंटेज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है ठीक है, जिसमें की ऑफ विच पार्ट इज शेडेड, शेडेड पार्ट का जो है वो परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो टोटल जो जो आपको यहाँ पे इमेज दी गई है वो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 पार्ट में डिवाइडेड है, कितने पार्ट शेडेड है 2 पार्ट शेडेड है। अब इसको परसेंटेज में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1s 2 2 4s 8, 4 25 बार में 100 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 25 1s कितना हो जाएगा 25, तो 25% जो है वो इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10th है, देर आर 70 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो क्लास में 70 स्टूडेंट्स है, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। ठीक है, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो फाइंड आउट करना है, अगर बॉय जो है आर 10 मोर देन गर्ल्स, अगर वो गर्ल्स से 10 ज्यादा है। ठीक है, मान के चलते हैं कि जो गर्ल्स है ठीक है, जो गर्ल्स है वो एक्स हो गई, तो बॉयज जो है वो गर्ल्स से 10 ज्यादा थे, अगर गर्ल्स जो है वो एक्स है तो बॉयज जो है वो एक्स प्लस 10 हो गए। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर जो है टोटल जो है गर्ल्स और बॉयज मिलकर 70 स्टूडेंट जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर x है प्लस में x प्लस 10 जो है, ठीक है ये मिलकर जो है वो कितना बनेगा, टोटल स्टूडेंट बनेंगे क्लास के 70। ठीक है, तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस में 10 इज इक्वल टू 70। ठीक है, इसके बाद अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कैसे प्लस कर दिया, ब्रैकेट जो है देखो यहाँ पे प्लस का साइन है ना, अब ये मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, तो ब्रैकेट जो है वो सीधा ओपन हो जाएगा, तो 2x प्लस 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2x को यहीं पे छोड़ देते हैं, 70 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x जो है वो 30 है। ठीक है, यानी कि जो गर्ल्स है वो कितनी हो गई 30 हो गई। ठीक है, तो गर्ल्स जो है वो 30 हो गई, और बॉयज जो है वो कितने हैं, तो बॉयज जो है वो x प्लस 10 थे। ठीक है, तो x प्लस 10 यानी कि 30 प्लस 10,
30 + 10 यानी कि 40, तो 40 जो है वो बॉयज हैं, ठीक है। अब इन्होंने रेशियो किस चीज का पूछा था हमसे, बॉयज टू गर्ल्स, तो बॉयज जो है वो 40 है और गर्ल्स जो है वो 30 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 4:3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमरन गॉट 60 मार्क्स आउट ऑफ 80 इन हिज फर्स्ट एग्जाम, तो सिमरन जो है उसके फर्स्ट एग्जाम में जो है वो 80 में से 60 मार्क्स आए, ठीक है, और उसके अगले एग्जाम में उसके 75 मार्क्स आए 80 में से, द परसेंटेज इंक्रीज इन मार्क्स इज, तो परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसके मार्क्स पहले मतलब कि दोनों ही 80 में से है, ठीक है, तो सिंपल को सॉल्व कर लेते हैं, 75 आए हैं, ठीक है, और इंक्रीज मार्क्स जो है वो कितने इंक्रीज हुए हैं, 75 में से 60 माइनस कर देते तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इंक्रीज परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, 15 मार्क्स का जो है वो मतलब कि इंक्रीमेंट हुआ है उसे, ठीक है, और स्टार्टिंग जो है उसके कितने मार्क्स थे, 60 थे, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद जो है इसकी कटिंग कर दो, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2s are 6 और 3 5s are 15, 2 5s are 10, तो 5 5s are कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 25% जो है 5% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ₹40,000 इज डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 40,000 जो है अमाउंट डिपॉजिट किया गया है 5% के इंटरेस्ट रेट पर, तो यहाँ पर जो है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द इंटरेस्ट बिकम, तो कितने टाइम बाद जो पैसे हैं इंटरेस्ट जो है वो 5000 बन जाएगा, वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T / 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है। तो देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T / 100, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो उन्होंने हमें दिया हुआ इंटरेस्ट जो है वो 5000 का मिलना है, तो यहाँ पे 5000 लिख देते हैं इज इक्वल टू जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 40,000 है, 40,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, ठीक है, टाइम हमें नहीं पता, और जो है यहाँ पे 100 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो सीधा कैंसिलेशन भी हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे जब आप इसको कर दोगे 400 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 5000 और 400, 5 4s से कितना हो जाएगा 20 और 2 0 यहाँ पे और लग जाएगा, मल्टीप्लाई टी, अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5000 जो है 2000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2000 इधर आ गया, वो टाइम आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 3 0 है, नीचे भी 3 0 है तो कैंसिल हो गए। इसके बाद 5/2 जो है ये इसको जो है वो कितना बन जाएगा, ये 2 2s are 4 है ना, 2.5 years बन जाएगा, ठीक है, 2.5 years यानी कि 2.5 साल, ठीक है, तो जो है 2.5 years जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th कि अ ट्रेडर बॉट सम एग्स, तो एक ट्रेडर है वो कुछ अंडे लेकर आया जिसमें से 72 एग्स जो थे वो खराब थे, ठीक है, विच वॉज 30% जो कि उसने जितने भी एग्स खरीदे थे उसका 30% था, यानी कि उसने जितने भी एग्स खरीदे उसका 30% जो है वो 72 एग्स थे, ठीक है। तो ट्रेडर्स ने कितने जो है वो एग्स जो है वो खरीदे थे वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि एक्स उसने एक्स जो है वो खरीदे थे, ठीक है, उसका 30% डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि वो खराब हो गए थे, तो एक्स का 30% जो है वो कितना हो जाएगा, तो एक्स का 30% जो है उन्होंने हमें बोला है 72 है ना, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू 72, 3/10 मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, तो 10/3 हो गया। इसके बाद 3 और 72 की कटिंग कर दो, 3 2s are 6, ठीक है, 1 बच जाएगा, 3 4s are 12, यानी कि ये x जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 240, यानी कि टोटल उसने कितने x खरीदे थे, 240, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक एग्जामिनेशन में a gets 10% marks less than b, तो b से 10% marks उसके कम आए हैं, b के c से 10% marks कम आए हैं, अगर a के 810 marks आए हैं तो c के marks जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो C के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम अज्यूम करके चलते हैं C जो है वो X के बराबर है, ठीक है, तो अगर C X के बराबर है
तो जो बी है वो कितना हो जाएगा, तो वो जो है वो कितना हो जाएगा एक्स। यहाँ पे हम सी जो है उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बी है, क्या कहा गया क्वेश्चन में, बी जो है वो सी के मार्क्स से 10% कम है। तो अगर सी एक्स है तो उसका 10% जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.1x, ठीक है। तो x में से जो कि हमारे पास c है, यानी कि c में से इतने मार्क्स उसके कम है, यानी जो b है वो हमारे पास कितना बन गया, 0.9x बन गया। अब a जो है वो b के मार्क्स से इतना कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो 10% का 10% कम है, यानी कि ये भी जो है वो कितना बन जाएगा, 0.9 बन जाएगा, ठीक है। तो 0.9 बी का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.9 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास बी है वो 0.9x है, ठीक है। यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.81x हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 0.81x जो कि हमने ए फाइंड आउट किया है वो 810 है, यानी 810 मार्क्स जो है वो ए के हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 810.81 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमने यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, टू डिजिट के बाद, तो ऊपर जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 81 10 810 हो जाएगा। अब 100 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना हो जाएगा, 1000। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनिशा वेंट टू स्कूल फॉर 216 डेज इन अ फुल ईयर, ठीक है। तो कंप्लीट मतलब कि वो एक पूरे साल में जो है वो 216 दिन जो है वो स्कूल गई है। अगर उसकी अटेंडेंस 90% है तो फाइंड द डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। तो हमें जो है वो फाइंड आउट करना है कि कितने दिन स्कूल जो है वो खुला रहा था, ठीक है। तो एक्स का 90% जो है, ठीक है, इतने दिन वो स्कूल गई है, तो वो स्कूल गई है 216 डेज, ठीक है। तो ये हो गया, जीरो से जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 216, यहाँ पे 9/10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कटिंग कर देते हैं, 3 3 9, 3 3 7 21, 3 2 6, ठीक है। फिर कटिंग कर देते हैं, 3 2 6 और 3 6 3 4 12, ठीक है। तो 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना हो जाएगा, 240, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनके साथ आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।